नमस्कार, मैं कोमल स्वागत करती हूं आपका पंजाब केसरी .com में। अब वक्त हो गया है देश और दुनिया की तमाम 20 बड़ी खबरों का। कमलनाथ सरकार के फ्लोर टेस्ट पर सस्पेंस, मुख्यमंत्री बोले पहले बंधक विधायक छोड़े। अब तक 6,474 मौत, वायरस के डर से ब्रिटेन की महारानी ने छोड़ा महल। राज्यसभा चुनाव, छोटी सी बगावत भी कई राज्यों में बिगाड़ेगी कांग्रेस का खेल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने SBI को बेरहम और अक्षम करार दे डाला। राज्यपाल SP मलिक की पाकिस्तान को चेतावनी, नहीं सुधरा तो खोना पड़ेगा POK। 4 रुपए किलो बिक रहा चिकन, हरियाणा के पोल्ट्री बेल्ट को 3,000 करोड़ का नुकसान। जम्मू के युवाओं को हनी ट्रैप में फंसा रही ISI, तलाश में पुलिस। निर्भया केस, फांसी डलवाने के लिए फिर से कोर्ट जाएंगे दोषी, याचिकाएं लंबित होने का रखेंगे आधार। DTC और क्लस्टर बसों में बगैर टिकट यात्रा पर अब 500 का जुर्माना। कोरोना के चलते आज से बंद हो जाएगा करतारपुर कॉरिडोर, भारत नेपाल मैत्री बस भी बंद। कोरोना का खौफ, नोएडा में 31 मार्च तक बंद रहेंगे सभी सिनेमा घर और जिम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर आएगी गिरावट। कोरोना के चलते बॉलीवुड बंद, 31 मार्च तक नहीं होगी किसी फिल्म सीरियल या वेब सीरीज की शूटिंग। CM योगी, मंत्रियों को हर जिले में जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाने के निर्देश। कोरोना इफेक्ट, बाजार में गिरावट जारी, 1,590 अंक गिरकर 33,000 के नीचे खुला सेंसेक्स। ईरान से 53 भारतीयों का जत्था पहुंचा जैसलमेर, निगरानी में रखे गए सभी। अब हवलदार कर सकेंगे 1,000 रुपए तक का चलान। फोरेंसिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, ताहिर हुसैन के खिलाफ 2,500 वीडियो में सबूत। 2,200 शहीद जवानों के परिवार को भी स्वास्थ्य बीमा देगी CRPF। अब तक 110 लोग संक्रमित, बिहार में अस्पताल से भागा संदिग्ध मरीज। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम 20 बड़ी खबरें। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी .com।